नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी जो बच्चों का स्कूल है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चालू है। ऑनलाइन क्लासेस चालू होने के बावजूद हमारे बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आप सभी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि बच्चे बहुत ही ज्यादा थकावट से महसूस करते हैं। बच्चों को बहुत जल्दी थकान आ जाती है। थकान आती है जैसे बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम होती है, बच्चों का बैठने का जो सिटिंग एरिया होता है उसमें बच्चे पूरी तरह से कंफर्ट नहीं रहते हैं, बच्चों के पैरों में सूजन आ रही है, या बहुत सारे बच्चों को ये कंप्लेंट रहती है कि पीठ में दर्द हो रहा है। ये समस्या अगर आपके बच्चे के साथ भी है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ही अभी इस समय का सबसे अच्छा एक स्वरूप है। अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो आप खुद देखेंगे कि बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे। इसीलिए अच्छा तो यही है कि थोड़ी देर ही कम से कम बच्चे पढ़ाई करें, जितनी भी क्लासेस उनकी चल रही है वो चले, जिससे कि बच्चे पढ़ाई तो करें लेकिन बच्चे बिल्कुल भी थके नहीं। जैसे मेरा बच्चा 7th स्टैंडर्ड में है और वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहा है, ऐसे में बच्चे को थकावट तो होना एक स्वाभाविक है, लेकिन मैं उसके साथ ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाती हूँ, कौन कौन सी चीजें उसके साथ कर रही हूँ जिससे कि बच्चे को बिल्कुल भी थकान महसूस ना हो और उसे किसी प्रकार की कोई नुकसान भी ना हो, उसका इम्यूनिटी सिस्टम ना बिगड़े, उसका शरीर जो है पूरी तरह से सही रहे। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों का एक्टिविटी अच्छे से हो जाता है। वो जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनका फिजिकली बॉडी अलग से काम करता है, सीढ़ियां चढ़ेंगे, बच्चों के साथ बातें करेंगे, वॉशरूम जाएंगे आएंगे, तो पूरा उनका क्या होता है, एक पूरी तरह से बॉडी जो है पूरा एक्टिव रहती है। लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास बच्चे की चल रही है तो बच्चा खाना पीना खा करके बैठ जाता है, 2-3 घंटे तक कम से कम वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करता है। ऐसे में बच्चे के हाथ पैरों में दर्द होना स्वाभाविक है, बच्चों की आंखों के नीचे काले घेरे होना, सूजन आना या आंखों में से पानी निकलना, बच्चों के पीठ में दर्द होना, ये भी एक स्वाभाविक बन गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है और हम उसका थोड़ा सा ध्यान रखें तो बच्चा बिल्कुल सही रह सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो सबके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चलना एक तरह से कंपलसरी हो गया है, क्योंकि बच्चों का पढ़ाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अगर आप ये सारी छोटी छोटी सी ट्रिक अपने बच्चों के साथ करेंगे तो आपके बच्चे बिल्कुल भी थकावट से महसूस नहीं करेंगे। इसे 2 या 4 दिन तक तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि चलो बच्चा पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मुझे भी महसूस हुआ कि वो खाना खाते ही बैठता है, उसके बाद उसका जो बैठने का एक तरीका है वो उल्टा पुल्टा इस तरह से रहता है, बिल्कुल उसे आंखों से जैसे कि उसे हर चीज को देखना रहेगा, उसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से बंधी हुई है, जैसे एक ही जगह पर बच्चा पूरी तरह से बैठ करके उस चीज को कर रहा है। जो चीज वो पढ़ाते हैं टीचर उसे अच्छे से सुनना भी है, इसीलिए पूरा उसका एकाग्रता भी उसको जरूरी में चाहिए, तो पूरा माइंड जो होता है बच्चों का उसी चीज में रहता है। ऐसे में मुझे तो थोड़ा बहुत फिर लगने लगा कि हाँ यार, बच्चा कह रहा है कि मम्मा इस तरह से दर्द हो रहा है या कुछ इस तरह से महसूस होता है, तो फिर मैंने उस पर थोड़ा ध्यान दिया। तो ये सभी बच्चों के साथ होता है, क्योंकि आजकल बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लास चलने लगी है। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं छोटे बच्चों को तो आपकी इच्छा है, जैसे कि नर्सरी का बच्चा है, फर्स्ट का बच्चा है, सेकंड का बच्चा है, लेकिन यहाँ पर इतना कंपलसरी अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो बच्चों की सेहत भी नहीं बिगड़नी चाहिए, इस बात पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर हम बड़े बच्चों की बात करें तो बड़े बच्चों को तो पढ़ना जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो वो पूरी तरह से ढीठ बन जाएंगे, वो पढ़ेंगे नहीं तो एक तरह से उनको कुछ भी फिर पढ़ाई का मन नहीं करेगा, तो हमें उनको तो पढ़ाना जरूरी है। मानसून का मौसम चल गया है, ऐसे में तो बहुत सारा वायरल इन्फेक्शन हुआ या सर्दी जुकाम हुआ बच्चों को भी परेशान करता है। ऐसे में हम थोड़ा ध्यान दें और ऑनलाइन क्लासेस चलती रहे और हम बच्चों के साथ थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहे तो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। पहले तो ऑनलाइन क्लास अगर चल रही है आपके बच्चे की तो उसका जो सिटिंग एरिया है उसे आप प्रॉपर रखिए, जैसे कि बच्चों को मोबाइल पे बिल्कुल ना पढ़ने दें, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन होती है बहुत छोटी, इससे बच्चों की आंखें भी ज्यादा खराब होगी, बच्चों को बिल्कुल भी उसकी जो कैपेसिटी है हर चीज पकड़ने की वो इतना अच्छे से वो नहीं पकड़ पाएगा। कोशिश करिए कि उसके लिए या तो आप कंप्यूटर पर चला दे या फिर आप लैपटॉप पर चला दे, इस तरह से उसे उस स्क्रीन से जोड़े ताकि वो थोड़ी स्क्रीन बड़ी रहती है तो बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। का सीटिंग एरिया है उसके आसपास आप इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा शोरगुल ना हो, ताकि बच्चा किसी भी चीज को अच्छे से पकड़ सके,
जो भी टीचर पढ़ाए उसे वो अच्छे से पढ़ सके। कोशिश करिए कि उसका जो टेबल कुर्सी है वो प्रॉपर रखे ताकि बच्चा उस पर सीट सही ढंग से कर पाए और अच्छे से बैठ करके उस चीज को पढ़ पाए। दूसरी बात ये है कि बच्चे जैसे इतनी देर तक बैठे रहेंगे तो उनकी आंखों में से पानी आ सकता है, आंखों में जलन हो सकती है और खुजली भी चल सकती है। इसके लिए आप क्या करें कि बच्चों को जैसे ही ब्रेक मिलता है क्लास का, आप उसका मुंह धुलवाएं और आंखों पर अच्छे से पानी का छिड़काव करें। इस तरह से करने से बच्चों की आंखें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, उनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं रहेगा। और हो सके तो जैसे क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप आंखों के ऊपर थोड़ा सा जैसे कॉटन लीजिए, दूध में अच्छे से डीप करें ठंडे दूध में, और वो बच्चों के आंखों पर रखें, जिससे कि बच्चों की थकावट है वो दूर हो सके, आंखों में से जलन पानी की समस्या हो गई है तो वो भी बिल्कुल सही हो सके। बच्चों को चश्मा लगा होता है, बहुत सारे लोगों को आंखों की समस्याएं रहती है, तो ऐसे में आप बच्चों को आंखों की एक्सरसाइज करवाएं जिससे कि बच्चों की आंखें बिल्कुल सही रहे। बच्चों को आप ये बात ध्यान रखें कि ज्यादा हेवी खाना खा करके पढ़ने के लिए बिल्कुल ना बिठाएं, क्योंकि जैसे हेवी खाना खाकर बच्चा बैठ जाएगा पानी कम पीने में आएगा और एक ही जगह पर बैठने से मोटापा बढ़ जाएगा, वजन बढ़ने लगेगा, तो इस बात का भी ज्यादा ध्यान रखें। बीच में बच्चों को आप ऐसे हेल्दी ड्रिंक दे दें जिससे बच्चे बिल्कुल भी थके नहीं। हेल्दी ड्रिंक का मतलब यहाँ पर यह है कि आप बच्चों को नींबू पानी दे सकते हैं, कोई सा जूस बनाकर बच्चों को आप दे सकते हैं। इस तरह से भी आप अगर करते हैं तो आपके बच्चे एनर्जेटिक रहेंगे, उनको थकान बिल्कुल भी नहीं होगी। मौसम चल गया है ऐसे में बच्चों को सर्दी जुकाम होने का, गले में इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। ऐसे में आप चाहे बच्चे को सर्दी जुकाम हो चाहे ना हो, आप सप्ताह के अंदर एक दिन अदरक और शहद का रस बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनका पाचन तंत्र सही काम करेगा, उनके शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सही रहता है और बच्चे को गले संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। इसीलिए कोशिश करिए कि अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ है तो अदरक शहद देना ही है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ है तो भी आपको सप्ताह के अंदर एक दिन जरूर अदरक शहद बनाकर बच्चों को देना है। बच्चों का इम्यूनिटी अच्छा रखती है, इसीलिए कोशिश करिए कि आप अदरक शहद बच्चों को जरूर दें। टेबल कुर्सी के ऊपर बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे तो पैर जो होते हैं उनके लटके हुए रहते हैं, ऐसे में बच्चों को शिकायत होती है कि उनके पैरों में दर्द हो रहा है, उनके पैरों में सूजन आ गई है, उनके गठाने जैसे पैरों में बन चुके हैं। तो आपको ये काम जरूर करना है कि सोने से पहले या जैसे ही उनकी क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद एक टब में थोड़ा सा गर्म पानी करिए और उसे बच्चों को थोड़ी सी देर पैरों को रखने को बोले। अगर आप इस तरह से रोजाना ही कर लेंगे तो बच्चा बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करेगा, और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप उसके पैरों पर अच्छे से तेल की मसाज भी करें, जिससे कि बच्चों को बिल्कुल भी थकावट ना हो। ऑनलाइन क्लास चल रही है लेकिन बच्चों का अगर हम इस तरह से ख्याल रखेंगे तो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो आप उनके साथ इस तरह के ट्रिक अपनाइए और देखिए कि बच्चे कितने हेल्दी रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होगा। जानकारी पसंद आई है तो इसे सबके साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।